नागपुर सीतापेटी स्थित फॉर्चून मॉल के बेसमेंट में नागपुर पुलिस के क्राइम ब्रांच में कार्यरत नरेंद्र बघेल के पुत्र के शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस को सूचना मिलने के बाद तत्काल मौके पर पहुंची सीतापेटी पुलिस ने अभिषेक नामक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक बीते दो दिनों से लापता बताया जा रहा था। पुलिस इस मामले में आगे की जाँच में जुटी है। वाठोड़ा पुलिस स्टेशन में मृतक की माँ ने गुमशुदा होने की रिपोर्ट कल दर्ज की थी। इस रिपोर्ट में जैसा वर्णन किया था वैसे ही वर्णन की गाड़ी और बॉडी फॉर्चून मॉल के बेसमेंट में मिली। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कल वाठोड़ा पुलिस स्टेशन में मृतक की मदर ने एक मिसिंग रिपोर्ट दाखिल कराई है और उसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया गया था बच्चे का और गाड़ी का, उस हिसाब से हमारा शोध शुरू था। आज ऐसा एक इन्फॉर्मेशन आया कि सेम डिस्क्रिप्शन का जो बच्चा है और गाड़ी है वो यहाँ फॉर्चून मॉल के बेसमेंट में मिली है। यहाँ पर आकर पुलिस ने शुरुआती तफ्तीश की है। बॉडी जो है वो जो है अभी उसका इंक्वेस्ट वगैरह सब शुरू है। बाकी इसके अंदर जो भी डेवलपमेंट होता है आपको उसके बारे में हम अपडेट करेंगे। नहीं देखिए, प्राइमर फेसी अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं, अभी हमारा जो है तपास करने के बाद ही हम आपको इसके बारे में डिटेल्स दे पाएंगे। पुलिस ने किसी भी तरह की टिप्पणी ना करते हुए जांच के बाद ही मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा, ऐसा DCP विनीता शाहू इनके द्वारा कहा गया। कैमरा पर्सन मार्कल के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।